अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमित पी जी ने इंडिया से। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन मैम। और सर, ये आजकल क्या चल रहा है आपके यहाँ? एक नया इशू जो मैं देख रही हूँ आपके टीवी चैनल्स पे भी, और आपके यहाँ की जो अगर गूगल किया जाए इंडिया सिर्फ, अगर मैं लिखूँ कभी, आज मैं चेक कर रही थी कि इंडिया में न्यूज़ क्या है, तो ये जो है पीएफआई, ये क्या है? कहा जा रहा है इस्लामिक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया गया है, उसकी क्या रीजंस हैं? और उसके ऊपर बहुत आपके यहाँ भी डिबेट्स चल रही थी और तरह तरह के रिएक्शंस में देख रही थी, मुस्लिम्स की तरफ से भी आ रहे थे, अच्छे बुरे दोनों। लेकिन ये है क्या, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, और क्यों बैन किया गया इसको? देखिए आरजू जी, अगर हम बात करें, सॉरी कुछ देखिए, अगर हम बात करें ये PFIN के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देखिए है क्या ये। अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी सिमी, ये काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा थी, तो सिमी को बैन कर दिया गया। तब एक बैन करा रहे सिमी, सिमी ने क्या किया, इन लोगों ने जाके PFI नई बनाई। अब PFI में 8 या 16 ब्रांचेस हैं, 16 ब्रांचेस है इसमें, कुछ एनजीओ है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, एक स्टूडेंट यूनियन है, एक कुछ है, कुछ है, इट्स अ मल्टी हेडेड हाइड्रा। मतलब अब इसको ऐसे बनाया गया कि आप एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ लॉ से, एक सिंगल चीज लाके आप इसको बैन नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ दिस इज, उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि लास्ट में जो सिमी में लोग थे वही जाके PFI में आ गए, कोई नए लोग नहीं है, वही जाके लोग PFI में आ गए। शुरुआत होती है इसकी केरला से, फिर ये जाता कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका से सेंट्रल कर्नाटका, बड़कल वगैरह एरिया जो है, और यहाँ से धीरे 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 फैलता गया। साउथ में इसकी ज्यादा पकड़ है, नॉर्थ में इसकी पकड़ कम है। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ कि बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अगर आप देखें इनका आज एक मैं बोलूंगा चार्टर टाइप पकड़ा गया, 15 पॉइंट का चार्टर है, जिसमें से दो चार पांच सात 10 चीजें मैं आपको बताऊंगा विच आर फैक्चुअल, यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नेमिटी ऑफ द, मतलब कितनी सीरियस सिचुएशन, आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहली इसमें एक इन्होंने क्या कि इन्होंने अब एनजीओ बनाए, इन्होंने मनी राउटिंग के तरीके बनाए, इन्होंने फोरम बनाए, इन्होंने गवर्निंग काउंसिल बनाए। ये कहते थे जो पकड़ा गया, भाई 2023 इज कॉल टू एक्शन डे, और 2047 में इस्लामिक कंट्रियों के साथ मिलके हम इंडिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे, राइट। और गजवा हिंद का डॉक्यूमेंट एक बिहार में रेड हुई, वहां भी ये मिला, बिनगा ये मिलता है। तो अब यहाँ पे लोगों को ट्रेन करना, आर्म इंसर्जेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, ये कोई छोटा मोटा टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा कि काडर तैयार करो जो एक आर्म इंसर्जेंसी करे। और इसमें ये भी है कि हमें केवल 10% मुसलमानों का साथ चाहिए और हम ये कर पाएंगे, बाकी इस्लामिक कंट्रियों के साथ से 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट करना, और 2023 में कॉल टू एक्शन एयर है हमारा, और गजवा हिंद वगैरह का ये सब चीजें बरामद हुई गई। अब आप देखिए दिल्ली दंगे के, आपने सुना होगा दिल्ली दंगे में PFI इन्वॉल्व होता है, CA प्रोटेस्ट में PFI इन्वॉल्व होता है, शाहीन बाग में PFI इन्वॉल्व होता है, बेंगलोर में राइट होता है PFI इन्वॉल्व होता है, आपका अग्निवीर का प्रोटेस्ट होता है यहाँ बिहार में, वहाँ PFI का हाथ आया। हिजाब के मसले में इनका हाथ है, क्योंकि हिजाब में मैं अपने नेशनल टीवी पे काफी डिबेट्स थी, मैंने कहा यार ये जो इतने महंगे महंगे लॉयर है जो लाखों, मतलब 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए की एक पेशी की फीस मांगते हैं, उनके पैसे देता कौन है? ये लॉयर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाते हैं, मतलब फेरन से बोझ क्या कहते हैं उन्हें, फौरन से बेशतर, तो इनके पैसे देता कौन है? वेरी एक्सपेंसिव डर, हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो अब आप ये आया कि पैसे आ रहे हैं, अब ये जब अब जब रेड हुई है परसों 2-3 दिन पहले, तो करीब 200 से 250 लोग अब तक गिरफ्तार गए, 15 स्टेटों में रेड हुई है पहले 2 दिन पहले, आज भी रेड कंटिन्यूड है। तो इनके लोग उठाए जा रहे हैं, अब इन मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आ रहा, दुबई से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, कतर से पैसा आता था, और एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है इसमें टर्की, टर्की से बहुत लेना देना इनका है, मुस्लिम ब्रदरहुड से ये सॉलिडैरिटी एक्सेप्ट करते हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर सॉलिडैरिटी विद मुस्लिम ब्रदरहुड एंड दैट इज ऑन ट्विटर। इनका कनेक्शन हमस से है, इनका कनेक्शन हमस से, इनका कनेक्शन मिस मुस्लिम ब्रदर्स से है। ये अर्दोगन की तारीफ करते, तुमने मुस्तफा कामाल अतातुर्क वाला इस्लाम हटा के एक नया इस्लाम लाए हो तुर्की में, इसलिए तुम्हारी मुबारकबाद है। इनके करीब 2 से 3 दर्जन लोग मोस्टली जो केरला से और जो आइसिस में गए इंडिया से, 95-99% लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के गए जो केरला गए, कुछ मारे गए कुछ वापस आ गए केरला से, इन्होंने अपने लोग वहां भेजे थे आइसिस में लड़ने के लिए, सीरिया में लड़े, ये ईरान में गए, ये इराक में पहुंचे जो, और इनका आइडिया वही था, बड़ा एक खलफत वाला आइडिया था, ये कोई मतलब ये कोई टेररिज्म या छोटे मोटी चीज नहीं सोच रहे, मतलब एक आर्म रिबेलियन से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के
एक अपनी गवर्नमेंट लाना और एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना। जैसे आप देखेंगे आईसिस का आइडिया खतरनाक था, आईसिस का आइडिया था कि मैं पूरी कंट्री बनाऊंगा जिसमें एक रेवेन्यू होगा, जिसमें शरिया चलेगा, जिसमें हर हिसाब हमारे साथ से होगा। और ये मतलब दिस इज नॉट अ डिमांड, दिस इज नॉट मतलब कि कोई कि एक छोटी चीज या मतलब एक बड़ी चीज की बात नहीं, पूरी रिजीम चेंज की, पूरे कंट्री का डेमोग्राफिक बदलने की, पूरी कंट्री का रिलीजन बदलने की, आर्म कार्डर खड़ा करने की, आर्म रेबिलियन खड़ा करने की। और इसमें क्लियर लिखा भाई हम विदेशी शक्तियों के साथ मिलेंगे। और एक हमारे यहाँ है सूफी बोर्ड है एक, तो सूफियों को और कुछ उलेमाओं को मुस्लिम समाज से भी उन्होंने धमकियाँ दी भाई यू फॉल इन लाइन, क्योंकि ये जो सूफी बोर्ड वगैरह वाले थे कहते थे इनको बैन करो, तो उनको धमकी देते थे। आज कानपुर में जो सूफी बोर्ड वाले हमारे, इन्होंने एक प्रोसेशन निकाला, दे सपोर्टेड दिस बुक, इन्हें बैन किया गया। अगर आप देखिए जिस हिसाब से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और जिस लेवल की हो गई थी, अब इसको एक लॉ ये एक रूल से बैन करना विल नॉट वर्क, क्योंकि ये क्या करेंगे, इसको कोर्ट में स्टे लेंगे, फिर दूसरे नाम से दुकान खोलेंगे। अब आरजू जी हुआ क्या है, अब जो बैनिंग हुई है वो एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन इसको बताया गया। क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग में इनका नाम, टेररिस्ट लिंक्स में इनका नाम, दुनिया भर की जितनी वहाँ भी मुसलमान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इनके संबंध, सॉलिडेरिटी, ये टर्की गए थे भाई एक कुछ कैंप में किसी ट्रेनिंग में, इनके लोग आईसिस जाते हैं, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है। और बाय द वे जो शाहीन बाग में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, इनका दिल्ली में ऑफिस शाहीन बाग में, तो शाहीन बाग में आपने सुना होगा कुदरती बिरयानी थी, मैं हमेशा कहता था कुदरती बिरयानी कहाँ से, कितनी कुदरती तो मैं नहीं कि खुद ही पैदा हो जाए, अब लोगों को समझ आए कुदरती बिरयानी आती कहाँ से थी। और जो दादियाँ वादियाँ बैठी थी, ये जो टेंट लगे थे, स्पीकर लगे थे, खाना पीना चल रहा, देखिए बिना पैसे के कोई प्रोटेस्ट भी नहीं चलता, प्रोटेस्ट स्प्रेडिंग एक दो घंटे चार घंटे एक दिन चल जाएगा, अगर महीनों चल रहा, अगर पूरी व्यवस्थाएं वहां आ रही है तो कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा था। पर ये गलती कर, गलती क्या करके जब ये किसान प्रोटेस्ट चला, ये सब चले ही नहीं लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रही, अमित शाह जी ना सो रहे, कुछ नहीं कर रहे। बेसिकली हो क्या रहा था कि ये जब सारी चीजें चल रही थी, इनके नेटवर्क स्टडी किए जा रहे थे, अगर कोई यहाँ दो महीने चार महीने बैठा, इसका पैसा कहाँ से आ रहा, इसको खाना कौन दे रहा, इसको बिजली कौन दे रहा, मतलब ये सारी चीजें इतनी स्टडी की गई। फिर NIA जो है हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका कन्विक्शन रेट है मोर देन 95%, कन्विक्शन रेट इज मोर देन 90%। NIA और ED को लाया गया और इतना बड़ा क्रैकडाउन हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक नहीं किया गया। और यहाँ तो सीधी सीधी टेररिस्ट फंडिंग और ये सब निकला, तो ये जो फसाड था भाई हम एक मतलब ना सोशल वर्क करते हैं, हम दलितों की मदद करते हैं, हम गरीब मुसलमानों की, वो सब खत्म है। हिंदुस्तान में कोई मुसलमान इनके आज के डेट में साथ नहीं है, वैसे भी 99.9999% इनके साथ पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था, जितनी रही सही कुछ बची थी मतलब 0.1%, आज उस पर भी पर्दा हट गया। और ये क्रैकडाउन जारी रहेगा और अब ये सब कोर्ट जाएंगे, लॉ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ट्रेजन भी है, या ट्रेजरी भी है, टेररिस्ट फंडिंग भी है, या विदेशी शक्तियों से हाथ मिलाना, यहाँ यू कैन वट एवर यू कैन एक्सपेक्ट एज डिजास्टर और वट एवर यू कैन एक्सपेक्ट वायलेटिंग द लॉज, दे आर डूइंग एवरीथिंग। और शायद उन्हें लगता था कि कोई कुछ नहीं करेगा, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, हमारी दुकान चलती रहेगी। पर जब रेड हुई तो एजेंसियों को ये भी पता था कि कौन घर में है, कौन सो रहा है, ट्रेन में अगर है तो कहाँ है, किसी को ट्रेन स्टेशन से पकड़ा, किसी को एयरपोर्ट से पकड़ा, किसी को चलती हुई ट्रेन से पकड़ा। इतने बड़े कुछ हजार लोगों को इकट्ठा किया गया, मतलब कुछ हजार लोगों को लाना, मोबिलाइज करना, 15 स्टेट में एक साथ क्रैकडाउन करना। और अभी जो एविडेंस निकली आरजू जी, तो खैर ओपन मीडिया में सबको पता, मतलब माउंटेन्स ऑफ एविडेंस निकली, कोई छोटा मोटा यहाँ वो मतलब ये नहीं बोलोगे दो पिस्टल और दो कारतूस निकले हैं जी, या एक छोटा मोटा हैंड ग्रेनेड निकला और जी कुछ नहीं था, यहाँ तो माउंटेन्स ऑफ एविडेंस निकले, माउंटेन्स। तो ऐसी सूरत में ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था इंडिया के लिए, जिसको इंडिया ने न्यूट्रलाइज किया। और यहाँ एक और चीज थी, मैं आपको बताऊँ लास्ट चीज, बहुत कोशिश कर रहे विदेशी शक्तियां, जिसमें ISI का भी खैर नाम आता ही आता, ISI के बिना तो कोई देखिए बिरयानी बनती, देखिए ISI का भी नाम आता, वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन मुसलमान और PFI एक है। ये मैं अपने नेशनल टीवी पे कहीं बार हर चैनल पे ये कर रहा हूँ, इंडियन मुसलमान का PFI से कोई लेना देना, हाँ ये लोग मुसलमान जरूर है बट दे डोंट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो आपसे ज्यादा है, 24 करोड़ मुसलमान है, उनका PFI से कोई लेना देना नहीं है, एक मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है ये और ये उसका पार्ट है। और आज हमारे डिस्कशन जो हो रहे थे, व्हाट इज द थ्रेट टू इस्लाम, जो क्या मैं थ्रेट टू इस्लाम है, इज द इस्लाम विद इट, कोई बाहर का थ्रेट नहीं है, कोई कहते हिंदू का थ्रेट, क्रिश्चियन का थ्रेट, सिख का थ्रेट, कोई थ्रेट नहीं है, कोई बिल्कुल थ्रेट नहीं है, ओनली वन थ्रेट इज पीपल लाइक PFI, जो मुसलमान का नाम भी बदनाम करते हैं, जो इस्लाम का नाम भी बदनाम करते हैं, जो इंडिया का भी नाम खराब बदनाम करते हैं, और अपनी ही कंट्री के खिलाफ साजिश करते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो।
आई एम हैप्पी द वे थिंग्स आर बीन काइंड ऑफ हैपनिंग, और पूरी जो मुसलमान समाज है वो भी जानता हूँ इनके साथ नहीं है। इसमें मैं आपको बिना बिना किसी शक को शुभ बता सकता हूँ, दे माइट बी सम सिंपैथीज इन सम कॉर्नर्स हियर एंड देयर, बट 99.99% लोग उनके साथ नहीं है। उनको ये भी नहीं पता था इनके इरादे कितने खतरनाक थे, ये चाहते क्या थे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर किसी भी एक ग्रुप की वजह से या कुछ लोगों की वजह से सब लोगों को गलत नहीं समझा जा सकता, और अगर इस किस्म की गलत एक्टिविटीज हैं तो बिल्कुल इनके ऊपर बैन भी लगना चाहिए और इनको चेक भी करना चाहिए। अब खैर वो आप लोगों की मर्जी, ISI को आप हर जगह ले आते हैं और हम लोग भी रॉ को हर जगह ले आते हैं। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं तो उसमें भी बताया जा रहा है कि भारत का हाथ है, चाहे हो या ना हो। लेकिन सर अगर हम इधर से थोड़ा सा आगे बढ़ें और हम बात करें चाइना की, जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, और चाइना की ये बात के अब चाइना से हटाकर आईफोन 14 जो है वो अब इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, इंडिया में बना करेगा, तो क्या लग रहा है आपको कि आहिस्ता आहिस्ता करके अमेरिका जो है वो अपनी जो कंपनीज हैं जो चाइना में कई चीजें बनती हैं उसको इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, या आप लोग खुद एक चाइना को इस किस्म का एक थ्रेट देना चाह रहे हैं या एक शॉक देना चाह रहे हैं, नुकसान करना चाह रहे हैं, मतलब ये किस तरफ जा रहा है ये सारा मामला आपको लगता है? आरू जी, इंटरेस्टिंग सवाल पूछे आपने। देखिए, पहले लास्ट क्वेश्चन में एक पार्ट रह गया था, ISI का इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं कहता है, क्योंकि कागज मिले, एविडेंस मिली है, प्रूफ मिला, इसीलिए इसी आधार पर कह रहा हूँ। बाकी जो आपके आपने बोला जी ऑडियो क्लिपिंग जो लीक वीक हुई है, देखिए इंडिया को वो क्लिपिंग लीक करा के कुछ नहीं मिलेगा। आपका एस्टेब्लिशमेंट, आपके पोलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर भारी पड़ता है, और जब आपका एस्टेब्लिशमेंट पोलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के आसपास दिखता है तो कू हो जाता है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है, वैसे भी आपके यहाँ राजनीति तो लीक्स पे चलती है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लिप लीक होता रहता है। कल हमारे नेशनल डिबेट पे भी डिबेट था, भाई क्लिप लीक होती रही, इसमें विडंबना क्या थी कि आपको इंडिया से सब्जी नहीं चाहिए, आपको इंडिया से मदद नहीं चाहिए, राइट? आपको जो टमाटर आते कहते तो शिया टमाटर इनको फोड़ दिया, चाइनीज टीवी उसको भी फोड़ दिया, मैच हार गए। पर जब जमाई राजा को इंडिया से पावर प्लांट चाहिए, देखिए जमाई राजा हमारे यहाँ भी होते हैं, तो जब जमाई बाबू को इंडिया से पावर प्लांट चाहिए तो तब बोलते देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। शहबाज शरीफ कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। सर वो उसका एक पार्ट आ चुका है जमाई राजा के पास 2019 से पहले, और अब बाकी रह गया। लेकिन जहां तक अगर आप कह रहे हैं तो मेरा ख्याल से इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके जो हम बात कर रहे थे पहले, उसमें ISI को भी मेरा नहीं ख्याल के कोई खास दिलचस्पी होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम से फंसे हुए, अब उसमें से भी अगर कोई टाइम निकाल के कर ले तो वो अलग बात है। अब आदू जी ISI क्या करता है ना, हर एक पे चेक्स एंड बैलेंस रखता है। अब देखिए ये क्लिपिंग आ गई, इसको कब देना है, किसको देना, कब मीडिया में कौन चलाएगा, कितना कट करना है, कितना एडिट करना है। अब ये भी देखिए कि इसमें ये पता लगता है कि मरियम शरीफ का प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा होल्ड है PMO पे, क्योंकि दूसरे मसले पे तो वो कह रही हाँ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी, मैंने काम करा दिया। अब शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे, बोले देखिए यार वो हिज अवर सन इन लॉ, मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, हिज अवर सन इन लॉ, मना नहीं कर सकते उनको। देखिए जब लोगों के वफादात आते, जब लोगों का इंटरेस्ट आता, तब हम बिल्कुल दुश्मनी करेंगे, मदद नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। चाहे 500 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हो, बच्चों के पीने का दूध ना, कोई बात नहीं। पर जहाँ जमाई राजा का फायदा हो रहा है वहाँ देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। कह रहे सर इंडिया से लेके बहुत बैक लेके, बोले नहीं नहीं कोई बात, देयर इज ऑलवेज वे, हम बात करेंगे मरियम जी से बात करेंगे। ये भी बात पता लगता है आरजू जी, आखिर आखिरकार जो सरकार और सल्तनत है वो तो लंदन से चल रही है ना, आपके यहाँ से चल नहीं रहे, बात तो लंदन ही होगा ना सारा। अब शहबाज शरीफ साहब से पावरफुल मरियम जी है और उनका मतलब, और उनकी सिस्टर के साथ कल जो हैकलिंग हुई लंदन में, चाहे पर्सनली आई एम नॉट, नहीं उनकी सिस्टर नहीं है सर, वो उनका मरियम औरंगजेब मिनिस्टर है हमारी इंफॉर्मेशन की, उनकी सिस्टर नहीं है वो। अच्छा नहीं है, चलो मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगा शायद सिस्टर है, किसी ने मुझे नहीं, दोनों दोनों सिस्टर्स के एक नाम कैसे हो सकते हैं सर, मरियम दोनों के नाम मरियम है। चलिए देखिए अब अगर देखिए कि वो जो हैकलिंग वो नहीं होनी चाहिए थी, पर ये जो चीजें हो रही है, अब देखिए ना वहाँ हिजाब था, ना वहाँ हिजाब था, लुई विटॉन भी था, गुची उची ये सब भी दिख रहा था, कैफे भी था, सब कुछ था, अच्छा है, मतलब करना चाहिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। पर ये जो एक सेट ऑफ रूल्स रूलिंग क्लास के लिए और एक सेट ऑफ रूल्स आवाम के लिए, ये हिपोक्रेसी है। आवाम को बोलो हिजाब पहनो, आप ये करो, आप वो करो, भाई बुरके के बिना बाहर मत जाइए, और अपने लिए आपके लिए कोई रूल नहीं है। आवाम के लिए सब्जी इंडिया से नहीं, नहीं सर यहाँ पे हिजाब का कोई इशू नहीं सर, हमारे यहाँ जिसको पहनना है पहने, हमारे यहाँ सब कोई चीज नहीं चले जिसमें फोर्स किया जा रहा हो हिजाब पहनने पे। चलिए अच्छी बात है, और यहाँ पे तो आपका ISI यही करा रहा है, उस पे आते हैं। और दूसरी बात है, देखिए एक सेट ऑफ रूल्स है हुक्मरानों के लिए, एक सेट ऑफ रूल्स है पब्लिक के लिए,
मतलब जहां अपना फायदा वहां रूल बदल जाता, वहां कोई रूल नहीं है, जहां फायदा नहीं है हाँ जी इंडिया तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा, ये तो वो है, ये तो ये है। अब उस अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे थे इंडिया ने मदद दी नहीं तो हम लेते कैसे, इंडिया ने मदद दी नहीं हम लेते कैसे, चलिए उस पर आते हैं। अब चाइना पे आ जाए, अब चाइना में जो आरजू जी हो रहा है डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप धीरे धीरे चाइना से डिपेंडेंस हटा रहे हो, ये प्रोसेस है, ये करीब 2 साल पहले शुरू हुआ है। अब क्या है कि अब जो वहां कारखाना उसको एकदम हटाना मूव करना आसान नहीं होता, पर पहली चीज स्टेप होती है इसमें नया ना लगाया जाए। अब iPhone 13 भी इंडिया में बन रहा है, iPhone 14 कुछ महीने बाद पूरा इंडिया में बनेगा, चाइना में कुछ नहीं बनेगा। अब देखिए iPhone 15 है, अगर 14 चाइना नहीं गया जाहिर सी बात है 15 तो जा ही नहीं सकता ना, 15 जा ही नहीं सकता। अगर आप देखिए जो ताइवान और अभी चाइना में रस्साकशी चल रही है, और वहां पे जो सबसे बड़ा बिजनेस है ताइवान में वो सेमीकंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना शुरू कर लिया, इजराइल की कंपनी आ गई, एक हमारी भी अपनी आ गई है फॉक्सकॉन के साथ अग्रवाल साहब की, एक ये एक कुछ कंपनियों का और MOU आ गया, तो कुछ इंडस्ट्री अब निशान तो इंडस्ट्री धीरे धीरे यहाँ आने लगी। अब निशान की बात करें, अब माजदा की बात करें, अब ड्यूक की ना बात करें, अब नाइकी की बात करें, ये भी चाइना से दुकान बंद करें, टोयोटा अभी सोच रही क्या करें, एक्सेप्ट टेस्ला, मतलब बहुत सी कंपनियों ने दुकान बंद करनी वहां से शुरू कर दी है। अब ये दुकान एक नाम तो बंद होगी नहीं, धीरे धीरे होगी, क्योंकि टेस्ला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सेल और उसकी वैल्यूएशन सारी डिपेंड करती है चाइना सेल पे, उसको कंपनी चलती चाइना सेल्स पे, उसका 60-70% गाड़ी केवल चाइना में बिकती है, तो उसकी मजबूरी है। अब यहाँ पे जो परिस्थिति हो रही है, हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं आरजू जी, हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि कहाँ एक डेमोक्रेसी है जहां मेरा पैसा, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा सब कुछ सेफ है। चाइना की इकोनॉमिक हालत खराब है, बात छुपी नहीं है। अभी जी जिनपिंग पहले गायब हो गए थे, कल कुछ एक वीडियो छोटा बहुत फोटो वोटो आया। अब देखिए 1 अक्टूबर को पता लगेगा कि क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना कि ये फोटो असली है नकली, क्योंकि आपको याद होगा एक बार वो दिखाया था वुहान गए थे कोविड वालों को ना 2 पैसे का मास्क लगा के कोविड वालों से मिलने, फिर बाद में पता लगा वो फिल्म का सेट बनाया था, कभी वुहान गए नहीं। तो अब ये फोटो क्या फर्स्ट असली है नकली, काफी लोग कुछ अंदाजे लगा रहे हैं, बट 1 अक्टूबर को जो चाइना डे है तो उस दिन पता लगेगा कि है या नहीं। और फिर हमें पोलिट ब्यूरो कांग्रेस में ये पता लगेगा कि इनको थर्ड टर्म मिल रहा है। तो एक चीज हमें देखने की है, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन होता है जिसमें आपको PLA का कंट्रोल मिलता है, वो इनको देते हैं या नहीं देते। ही माइट बी इलेक्टेड बट विदाउट सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी उस तक किसी और को इलेक्ट करे। देखिए चाइना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब माओ की डेथ हुई थी तो उन्होंने 8 दिन तक दुनिया को नहीं बताया कि माओ निकल गए, 8 दिन बाद उन्होंने सेटिंग वेटिंग बिठाई तब उन्होंने बोला हाँ वो, तब तक उसकी वो फर्जी वीडियो फोटो वोटो खूब चला रहे थे। तो अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वक्त बताएगा, ये देखिए सारा अनुमान है, मतलब नोबडी कैन बी श्योर व्हाट इज हैपनिंग। तो अब इकोनॉमी पे वापस आए, जो हम कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं आरजू जी, वर्ल्ड को हमारे वाइबिलिटी लग रही है, वर्ल्ड को हम सब देखिए हमारे साथ एक विद यू नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ऑल दिस, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एनीबडी वेरी बिग मार्केट, डेमोक्रेटिक सेटअप, रूल ऑफ लॉ। यहाँ IPR का लफड़ा नहीं, चाइना में तो IPR चोरी हो जाता है कुछ टाइम, वो आपका प्रोडक्ट आपके सस्ता बनाने लगते हैं। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मैन पावर मिलेगा आपको, रिसोर्स मिलेंगे, यहाँ पे ट्रेंड मैन पावर चाहिए, अनट्रेंड मैन पावर चाहिए, सेमी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जिस तरह का मैन पावर चाहिए वो सारा मिलेगा। तो हम एज अ पैकेज आ रहे हैं। अब देखिए अगर खाली इकोनॉमी ऑफ स्केल्स की बात होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सस्ते की बात होती, तो बांग्लादेश भी था, वियतनाम भी है, और भी कंट्री है, वहां क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां आपको फिर आपको शिपिंग भी चाहिए, आपको एयरपोर्ट भी चाहिए, आपको रेल भी चाहिए, आपको मार्केट भी चाहिए, आपको स्किल्ड अनस्किल्ड मैन पावर भी चाहिए, जगह भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए, IPR की चोरी ना, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजों का अगर आप पैकेज देखें विद वायबिलिटी इन कॉस्ट, ये पैकेज बाय डिफॉल्ट इंडिया में ही और कहीं नहीं है। जो लाइन शेयर ऑफ चाइनाज बिजनेस हैज टू कम टू इंडिया, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आज आए, कल आए, परसों आए, करीब करीब 1,000 कंपनियां अर्जू जी हो ऑलरेडी देन MOUs विद अस कि भाई हमें अपना बिजनेस मूव करना। अब क्या होगा, पहले जो नया पार्ट हो तो पहले वो आता है, धीरे धीरे फिर पुराना पार्ट आना शुरू होता है। बाकी चाइना की इकोनॉमी की तो आपको पता ही, अभी की कोई परिस्थिति अच्छी तो है नहीं, और वहाँ जो अभी ड्रॉट की कंडीशन है, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर किलोमीटर्स आर अंडर हेक्टेयर सॉरी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर अंडर ड्रॉट, राइट, बिजली की दिक्कत है, शिपिंग की दिक्कत है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, और जीरो कोविड अब भी चल रहा है, मतलब 9 महीने हो गए जीरो कोविड अब भी चल रहा है, और कभी वहाँ के प्रेसिडेंट गायब हो जाते हैं, फिर नमूदार हो जाते हैं, अब फिर तक ये नहीं होंगे, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है मगर उस बात की कोई कि वो नमूदार हुए हैं या वो नमूदार नहीं हुए हैं। नमूदार की कल उन्होंने एक फोटो वोटो कुछ रिलीज की जी वो कोई एग्जिशन एक्टिवेट करे, पर वो एक वनीला फोटो है कि कुछ लोगों का कहना है ये पुरानी वीडियो, कुछ लोगों का एक लाइव स्ट्रीम होती है ना, जैसे आप जैसे मोदी जी ताश करते
एक लाइव स्ट्रीम है, उसमें दुनिया के सारे मीडिया दिखा रहा है। आपने एक मतलब ऐसे फोटो रिलीज कर दी कि हाँ एग्जिबिशन इनॉग्रेट कर रहे हैं, नया पुराना, मतलब यह तो एक 15 मिनट 20 मिनट का एक लाइव क्लिपिंग चले तो पता लगे हाँ है नहीं है। पुरानी फोटो या क्या करना है कि माओ के टाइम में भी इन्होंने ये किया था। और देखिए 1 अक्टूबर को जो चाइना डे, उस दिन हमें पता लगेगा कि है नहीं है, कितने हैं, क्या है क्या नहीं। और 16 अक्टूबर को ये पता लगेगा क्या मिला, कितना मिला, क्या मिला या नहीं मिला। यार फर्स्ट तो 2 दिन के बाद है, तो होपफुली कुछ ना कुछ क्लियर हो ही जाएगा। फर्स्ट को ना अर्जुन जी इन्हें बताना पड़ेगा, फर्स्ट को ये छुपा नहीं सकते क्योंकि उतने बड़े कॉन्क्लेव में फोटो नहीं चलेगी ना, उतने बड़े कॉन्क्लेव में आपको बिठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। ये मान लीजिए हमारे 15 अगस्त है, 15 अगस्त में मोदी जी जाते लाल किले से एड्रेस करते लोग, तो वहां पे चाइना डे के दिन आप ये मतलब फोटो दिखा के काम नहीं चला पाओगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए चाइना में मिलिट्री को 2 बार हो चुका है, ऐसी बात नहीं कि चाइना में कभी कू नहीं हुआ, लोगों को लगता है चाइना में कू नहीं हुआ, 2 बार मिलिट्री को हो चुका है। और अपना जो जो अगर आप डेंग ज़ोंपिंग की बात करें, जो माओ ने जिसको डिजिग्नेट किया था, उसको भी तो माओ डेंग ने रस्ते से हटाया था ना। अब होजिंटाओ पहले वाले वो भी अभी लाइव एंड किकिंग है, क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या हो रही, कह रहे यार अगर ये टिल एंड प्रेसिडेंट रहा, क्योंकि आपकी बार इसने अमेंडमेंट जो लाया है, पहले चाइना में था 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, अब अमेंडमेंट में ये है कि आप टिल लाइफ रह सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, 2 बार 3 बार 4 बार। तो मतलब जितने बाकी नंबर टू हो तो वो ऐसे नंबर टू ही निकल लेंगे, तो वो नंबर टू कभी बनेंगे नहीं। तो आपका कंपटीटर बाहर से नहीं आता, आपका कंपटीटर सिस्टम के अंदर होता, आप खलते किसको, सबसे अंदर है जो आपके होते हुए आप जब तक सांस चल रही है आपकी, आप वो बन ही नहीं सकते। मतलब ये तो फिर बादशाह होगी ना, कोई जनरल सेक्रेटरी थोड़ी, इलेक्शन होता नहीं, इलेक्शन इलेक्शन तो होता नहीं, लोग किसी को चुनते नहीं, अब 10-20-50 लोग 100 लोग मिलके जिसको मर्जी फिर चुने, तो बादशाह हो गई ना ये, फिर तो जब तक बादशाह जिंदा है तब तक। आप बताइए फिर क्वीन एलिजाबेथ की मोनार्की में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में की ऑटोक्रेसी में क्या फर्क रहा, दोनों सेम है। जब तक क्वीन रही प्रिंस चार्ल्स, अब किंग चार्ल्स रहे, तब तक तो प्रिंस ही थे, मतलब इतनी उम्र से परपोते भी हो गए, प्रिंस ही चल रहे थे। तो वैसे ही अगर यहाँ चला तो जब तक ये फोर्थ नहीं होते तब तक तो ये अपना बिल्कुल बादशाह बने रहेंगे, जाएंगे नहीं। इससे दिक्कत इनकी जो नेक्स्ट इन लाइन है उनको है कि भाई ये आदमी हटेगा ही नहीं कभी, फिर देखिए मोटिवेशन नहीं रहता ना, अब कोई ऊपर जाए लोग लाएगा कुछ करेगा। और इन्होंने अभी अपनी दो अपने एक्स मिनिस्टर्स को तो फांसी की सजा सुना दी करप्शन पे। अब करप्शन चाइना में कहानी, हर कोई करप्ट है, नंबर वन है करप्शन में उनका नाम, मतलब करप्शन रेटिंग में चाइना नंबर वन आता है। कहते हो ये लोग दो, मतलब पूरे 150 करोड़ लोग में 2 लोग करप्ट है, इनको फांसी पे चढ़ा दो, मतलब ऐसे कब तक चलाओगे, क्या चलाओगे, इकोनॉमी की हालत खराब है। और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अर्जुन जी, देखिए हमने अपने दरवाजे खोल रखे, हम किसी को बलगरा नहीं रहे, किसी को बहला नहीं रहे, दुनिया खुद अपनी मर्जी से हमारे पास आ रही है, बिकॉज वी आर अ वाइबल ऑल्टरनेट। हाँ इसमें चाइना का नुकसान होगा, देखिए जैसी करनी वैसी भरनी, जो जिसके कर्म होते हैं वो उसका फल मिलता। आप देखिए बबूल का बीज लगाओगे तो आम का दरख्त होगेगा नहीं ना, बबूल ही होगा। और हमारे यहाँ तो एक जमाने में ये बात की जाती थी कुछ टाइम पहले तक कि जी अमेरिका के बाद दूसरी सुपर पावर बनने जा रहा है चाइना, सब सब ये मतलब यहाँ पे चूरन बेचा जा रहा था, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ तक सही थी बात, लेकिन ये जरूर हम सुनते थे। अब आरजू जी आपके शो पे करीब 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि चाइना की इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम्स, मैं आप और जो भी चीजें हो रही मैं काफी हद तक उनको प्रेडिक्ट भी कर रहा था कि अब ये होगा, ये होने की पॉसिबिलिटी होने की। आप देखिए उसमें से 90-80% चीजें हुई भी है इन सम पॉइंट ऑफ टाइम आगे पीछे। तो ये अगर आप चाइना को डीपली स्टडी करो, देखिए चाइना चलता परसेप्शन पे, परसेप्शन इज मोस्ट पोटेंट वेक्टर, परसेप्शन कि भाई जैसे एक परसेप्शन है जी इज इनविंसिबल। अब देखिए परसेप्शन तो ये भी था बर्लिन वॉल कैन नॉट फॉल, गिर गया ना, परसेप्शन तो ये भी था टाइटैनिक कैन नॉट सिंक, सिंक हो गया ना। अब देखिए आज की दुनिया की लड़ाई, किसी ने सोचा था यहूदियों में और अरबों में दोस्ती होगी, आज इसराइल और अरब की दोस्ती है, पर सऊदी अरब और ईरान की अब भी दुश्मनी है, शिया और सुनियों में जबकि दोनों मुसलमान है अब भी दुश्मनी है, पर यहाँ सुनियों की यहूदियों से दोस्ती हो गई, राइट। तो ये 2-3 चीजें देखिए आपके हमारे सामने हुई है, मोदी जी का प्लान रमाला उतरता और वही प्लान फिर तेलवी हो जाता है, राइट। ये भी किसी ने नहीं सोचा था, ये 3-4 चीजें अभी हाल फिलहाल में हुई है। अगर जी आरजू जी ये हो सकती है तो कोई इनविंसिबल नहीं, कोई ऐसा नहीं किसी को हटा नहीं सकते, किसी के साथ कुछ हो नहीं सकता। और जो भी डिक्टेटर होता उसको ये लगता कि मेरा मतलब ऊपर खुदा और नीचे मैं, तो पर वो भ्रम एक दिन टूट जाता, पर जब वो भ्रम टूटता वो उस भ्रम का टूटने का मंजर वो देख नहीं पाता, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती अधिकतर वो रह नहीं पाता तब तक, जब वो भ्रम भी उसी के साथ निकल लेता, वो भ्रम भी उसी के साथ निकल, जैसे वेलकम में वो हमारी पिक्चर, आप तो बहुत पिक्चर देखती वेलकम,
कहते हैं ना वो कि ये कहते हैं ये राज भी उसी के साथ गया, तो ये भ्रम भी उसी के साथ निकल जाता। बट ही डजंट लिव टू सी दैट डे व्हेन हिज मिथ इज शैटर्ड। बट मिथ शैटर होती है, दुनिया चलती है, अब देखिए क्या होता है। और बाकी आपसे मैं समीत जी, मैं बिल्कुल मूवीज की बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब आपने कह के मुझे छेड़ दिया है, तो मैं ये कहूंगी कि कहीं ये ना हो कि चाइनीज प्रेसिडेंट को भी डॉन मूवी की तरह, जो बच्चन साहब की थी, एक और उसी शक्ल का लेकर आ जाए और कहे जी ये है दूसरा डॉन, वो ना हो जाए। नहीं कुछ देखिए वहां कुछ भी हो सकता, हो सकता है 4-5 पीस ऑलरेडी बचा के रखे हो कि वक्त आने हो पे एक सकता एक को निकाल देंगे। और जरूर क्योंकि हिटलर देखिए, आप देखिए हिटलर के भी ऐसे थे, कहते सदाम हुसैन की भी कॉपीज थी, हिटलर की भी कॉपीज थी। ये डिक्टेटर्स का ट्रेट होता है, डिक्टेटर्स का ट्रेट होता है कि उनकी कॉपीज होती है। कोई मतलब कोई मतलब जो आप कह रहे बिल्कुल इट माइट बी फ्रॉम अ मूवी प्लॉट बट इट इज क्वाइट पॉसिबल। देखिए चाइना में कुछ भी पॉसिबल होता है। जो कंट्री आपको कहती है कि मेरे 4,000 लोग मरे कोविड से, केवल 4,000, मेरे 1 लाख लोगों को कोविड हुआ पर मैंने 10 महीने से 1,80 करोड़ लोगों को बंद कर दिया जीरो कोविड में, वही आपको वही कंट्री हमें बताती है हमारे सुप्रीम लीडर को जी जिनपिंग को, यानी कि उनके सेरिब्लर एन्यूरियम है। सेरिब्लर एन्यूरियम में क्या होता है, जो दिमाग की नसें हैं ये पतली, इनके दीवार पतले हो जाते हैं और कभी भी प्रेशर पड़ने से आदमी मर जाता है। बेसिकली थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स विद इन द स्कल। इसका इलाज कुछ है नहीं, सेरिब्रल एन्यूरियम कहते हैं इसके, माई प्रोनाउंसिएशन माइट नॉट बी राइट सो एक्यूरेट। तो इसमें दिस इज बट क्रक्स इज अ डिजीज इज लाइक दिस। अब दुनिया में कई सारे लीडर हों को काफी सारे फेटल नॉन फेटल डिजीजेस होती है पर देयर अगेन नेशनल सीक्रेट्स को उसके बारे में बताता नहीं किसी को। जिस चाइना में कोई भी नंबर ठीक से नहीं आता, जिस चाइना में ये नहीं पता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चाइना में आपको उनके सुप्रीम लीडर की जो अखिलेश हील है वो बता देते। देखिए अखिलेश हील में देखिए आपने अखिलेश की तो स्टोरी सुनी होगी, जो ग्रीक्स जो थे वो कहते थे भाई जो अखिलेश है ही इज इनविंसिबल, उसे कोई नहीं हरा सकता। बट अखिलेश हैड अ बैड हील, अखिलेश हैड अ बैड हील, ग्रीक्स सेड दैट अखिलेश इज इनविंसिबल बट अखिलेश हैड अ बैड हील। बट व्हेन द बैटल ऑफ ट्रॉय हैपेंड, ट्रॉयंस न्यू अबाउट द अखिलेश हील, ट्रॉयंस न्यू अबाउट द अखिलेश। वन ट्रॉयन प्रिंस शूट्स द एरो, जबकि अखिलेश ने हेक्टर को मारा था एंड हेक्टर वॉज इक्वली ब्रेव एंड यू नो हैड वैलर। व्हेन द अखिलेश जो हेक्टर का छोटा भाई होता है, जब अखिलेश को मारता है, ही पुट्स द एरो ऑन द हील। व्हाट डिड द ग्रीक्स से, यू नो व्हाट डिड द ग्रीक्स से, ग्रीक सेड ओ ट्रॉयंस कुड नेवर किल अखिलेश, इट वाज द अखिलेश हील व्हिच किल्ड अखिलेश। ट्रॉयनों ने नहीं मारा, बस अखिलेश की हील थे दैट किल्ड अखिलेश। ये वाली वाली बात है कि क्या ये हमें अखिलेश हील तो नहीं बता रहे, आर वी टोल्ड देयर इज अखिलेश हील एंड इट इज द अखिलेश हील दैट विल इवेंचुअली डू द नीडफुल। क्योंकि ग्रीक ग्रीक ग्रीकों ने कभी नहीं मारा, ट्रॉयनों ने अखिलेश को मारा, कह रहे वो तो बस वो अखिलेश हील थी दैट किल्ड अखिलेश। तो हमें या दुनिया को ये तो नहीं बताया जा रहा कि एक अखिलेश हील है और एक दिन हमें पता लगे कि ठीक है जी वो काम हो गया, वहां दिक्कत थी परेशानी थी आपको बता दिया था, सॉरी अनफॉर्चुनेटली डिजीज कॉट ऑन और वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दिस हैपेंड। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ व्हाई आर दे डिक्लेयरिंग दिस डिजीज, जहां कोई नंबर कोई फैक्ट कोई डाटा किसी को नहीं पता, जहां किसी की खबर नहीं पता। और वैसे भी जीजिंग में पढ़े लिखे तो है नहीं, ये स्कूल ड्रॉप आउट है, ये कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट है ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट ये है। तो अब इसकी इसकी फेटल डिजीज आपको बता रहे, ये आदमी प्रेसिडेंट भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, लेजिस्लेटिव का हेड भी और पीएलए का हेड भी है, चार चार पोस्ट है इसके पास, चारों पावर सेंटर इसके पास है एक आदमी के पास, और उसमें वल्नरेबिलिटी कहाँ है, यू नो दे आर लेटिंग द वर्ल्ड नो, आई डोंट थिंक दे आर स्टूपिड एनफ टू लेट द वर्ल्ड नो, टाइम विल ओनली टेल कि देयर इज अ लॉजिक टू इट, इन माय ओपिनियन देयर इज अ लॉजिक टू इट व्हाई दे आर लेटिंग द वर्ल्ड नो, पता लगे। लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, देखते हैं कि फर्स्ट को क्या होता है, हम भी देखेंगे आप भी देखें, और जैसे अपडेट आएगी तो फिर आपसे पूछेंगे और देखते हैं कि क्या बात होती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। थैंक यू सो मच सुमित जी कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। मैं वही कह रहा था आपकी पिक्चर वाली लैंग्वेज में बोलूं, एक डायलॉग था ना आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो फर्स्ट को पता लगेगा। बिल्कुल, देखते हैं कि क्या होता है और मिलते हैं ब्रेक के बाद, जैसे कहते हैं ना जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद और देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया सुमित जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।